वेलकम दोस्तों, ये हफ्ते का वही दिन है जब हम आपके लिए टेक्नोलॉजी की दुनिया से टॉप टेक न्यूज लेकर आते हैं। हे गाइस, आई एम केशव खेरा और ये है टेक दिस वीक। तो चलिए नजर डाल लेते हैं कि क्या हुआ खास टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में इस हफ्ते। हमने आपको बताया था कि Xiaomi 30 जून को अपना एक नया फोन लॉन्च करेगा और ऐसा ही हुआ। Xiaomi Mi Max आखिरकार इंडिया में लॉन्च हो गया। 6.44 इंच का ये फोन 14,999 रुपए में आपको एक फोन के साथ साथ एक टैबलेट का एक्सपीरियंस भी देगा और इतने बड़े साइज का होने के बावजूद भी ये फोन आपकी पॉकेट में आसानी से फिट हो जाता है। तो अगर आप 7 इंच कॉलिंग टैबलेट के शौकीन हैं तो मेरी मानिए आप Xiaomi Mi Max खरीदें। आपको ये भी बता दूं कि इसी फोन का एक और वर्जन भी लॉन्च होगा जिसमें आपको 4GB की रैम मिलेगी, 128GB की इंटरनल मेमोरी होगी और उसकी कीमत होगी 19,999 रुपए। फाइनली एंड्रॉइड N का नाम रिवील हो गया। काफी टाइम से अटकलें आ रही थी कि इसका नाम नोटेला हो सकता है, पर गूगल ने इसका नाम नोगा रखा है और इस नए एंड्रॉइड में आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी मिलेंगे जैसे कि मल्टी विंडो, न्यू फाइल मैनेजर, नाइट मोड, स्क्रीन डोज ऑफ और भी बहुत कुछ। और इसलिए इस एंड्रॉइड N का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि हम आपको इसके इंटरेस्टिंग फीचर से रूबरू करा पाएं। Gionee इज वन ऑफ द फर्स्ट चाइनीज कंपनीज इन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट और ये कंपनी काफी समय से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपना नाम जुटाने में लगी है और इसी के चलते Gionee ने अपना एक और नया फोन लॉन्च किया जिसका नाम है F103 Pro। 5 इंच के HD डिस्प्ले वाले इस फोन में आपको मिलेगी 3GB की रैम, 13MP का रियर कैमरा, 2400mAh की बैटरी और इस फोन की कीमत है 11,990 रुपए। रिंगिंग वेल्स कंपनी के बारे में तो आपको याद ही होगा जिसके बारे में सभी कह रहे थे कि एक फ्रॉड कंपनी है, फोन्स बुक करा लिए, आज तक फोन्स प्रोवाइड नहीं करे, इतने सस्ते फोन कैसे मिल सकते हैं। पर आप घबराइए मत, रिंगिंग वेल्स आपके लिए खुशखबरी लेके आए और वो खबर ये है कि रिंगिंग वेल्स 6 जुलाई को अपने फोन फ्रीडम 251 की शिपमेंट आखिरकार शुरू कर देगा। इससे पहले रिंगिंग वेल्स ने कहा था कि वो इसकी शिपमेंट 30 जून को शुरू करेगा, पर कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो शिपमेंट शुरू करने से पहले नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे ताकि ये भी मेड इन इंडिया का पार्ट बन सके। अगर अक्सर आप गूगल पे किसी गाने के लिरिक्स सर्च करते थे तो अब आपके लिए काम काफ़ी आसान हो गया है। जी हाँ, गूगल आपके लिए एक नया फीचर लेके आया जिसमें आपको गूगल सर्च में सिर्फ गाने का नाम लिखना है और गूगल खुद ब खुद आपको उस गाने के लिरिक्स पेश कर देगा। तो अब आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर जाके गाने के लिरिक्स सर्च करने की जरूरत नहीं। अब वक्त हो चला है कुछ रूमर्स और गॉसिप्स का। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग के नए फोन गैलेक्सी J2 के कैमरा के अराउंड होगा एक स्मार्ट ग्लो फीचर जो कि एक नोटिफिकेशन LED की तरह काम करता है जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके साथ ही सैमसंग 2 अगस्त को अपना नया फोन लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। इसमें होंगे कुछ खास फीचर्स जैसे कि आईफोन जैसा 3D टच, QHD डिस्प्ले, 6GB की रैम, 64GB स्टोरेज और 3600mAh की बैटरी। तो ये था इस हफ्ते का टेक्नोलॉजी बस और मुझे पूरा यकीन है कि आप कुछ हद तक टेक्नोलॉजी की दुनिया से रूबरू हो गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ें, मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।